नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है कैप्सिकम दो प्याज़ा बनाने की। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, झटपट से ये बन जाता है। आज मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, तो जब भी आपके बच्चे डिमांड करें तो आप इसको फटाफट से बना सकते हैं, गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं कैप्सिकम दो प्याज़ा की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। कैप्सिकम दो प्याज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो कैप्सिकम ली थी यानी शिमला मिर्च, इनको मैंने इस तरह से पीसेज में कट किया है। आप चाहें तो इसके और थोड़े से पतले पीस रख सकते हैं। दो ही मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने इस तरह से लंबाई में कट किया है। मैंने यहाँ पर 60 ग्राम के लगभग पनीर लिया है, उसके इस तरह से मैंने पीसेज कर लिए हैं। दो टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरह से पीसेज में कट कर लिया है। दो ली हैं हरी मिर्च, इनको बारीक कट कर लिया है। एक हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको ग्रेट कर लिया है। नमक हम यूज़ करेंगे स्वाद के अनुसार। एक छोटी चम्मच लिया है हमने आमचूर पाउडर, साथ में ही लिया है हमने एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा लिया है हमने हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, आधा चम्मच लिया है हमने जीरा, एक बड़ा चम्मच लिया है हमने सरसों का तेल। गैस पर रख दिया है हमने एक पैन, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे। ऐसे ही सरसों का तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा और जीरे को हम कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम अब हम लो कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। गैस की फ्लेम हमने लो कर ली है, ऑयल के साथ मिक्स कर लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और शिमला मिर्च, दोनों एक साथ ही हम डाल देंगे पैन में, मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, धीमी गैस पर प्याज और शिमला मिर्च को हमें तब तक भूनना है जब तक जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट न हो जाए। तो गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे और बराबर से इसको पलटते हुए हम फ्राई करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो प्याज है ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। हमने इसको लो फ्लेम पर ही भूना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। जैसे ही हम टमाटर डालेंगे हम इसमें नमक भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हम लो और मीडियम रखेंगे। टमाटरों को हम कुक करेंगे जब तक कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक बराबर से पलटते हुए हम इनको कुक करेंगे। तो ये देखिए टमाटर जो हैं अच्छे से कुक हो रहे हैं। इस तरह से हम इनको मैश करके देखेंगे तो ये आसानी से मैश हो रहे हैं। ये देखिए तो टमाटर भी कुक हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पनीर लिया था उसको। पनीर डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है जिससे कि जो पनीर है वो टूटे नहीं। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है पनीर को भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी बचे मसाले भी ऐड कर देते हैं। आमचूर पाउडर, गरम मसाला। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और 2 मिनट और हम सारे मसालों को पनीर और शिमला मिर्च के साथ अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनको पलटते रहेंगे।
और ध्यान रखना है आपको कि पनीर टूटे नहीं, तो किनारे से लेते हुए हल्के हाथ से आपको इसको पलटना है। सारी चीज़ों को हमने 2 से 3 मिनट और भून लिया है, तो हम चेक कर लेंगे कि जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से कुक हुई है कि नहीं। तो ये हमारा कैप्सिकम 2 प्याज़ा बनके तैयार है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। लास्ट में डाल देंगे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कैप्सिकम 2 प्याज़ा बनके तैयार है। रोटी और पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, झटपट से बन जाता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।